महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के 1 लाख से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इसके बावजूद कई सरकारी और प्राइवेट दफ्तर भी खोलना शुरू हो चुके हैं। कई स्टेशनों से श्रमिक स्पेशल ट्रेन भी चल रही है। इस सबके बीच अब रेलवे की ओर से पुणे रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार को एक रोबोट तैनात किया गया है। ये स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग करता है। RPF के ओर से लगाए गए इस रोबोट को कैप्टन अर्जुन का नाम दिया गया है। जांच के दौरान अगर कोई कोरोना संदिग्ध इसके पकड़ में आता है तो ये वहां पर खड़े जांच कर्मी को जानकारी भी देता है। सेंट्रल रेलवे के DG संजीव मित्तल ने बताया कि रोबोट कैप्टन अर्जुन किसी भी संभावित संक्रमण से यात्रियों को और कर्मचारियों की रक्षा करेगा। आपको बता दें कि रोबोट कैप्टन अर्जुन का उद्घाटन एक ऑनलाइन समारोह में किया गया था। ये रोबोट आने जाने वाले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग करता है और इस रोबोट के पास सेंसेस आधारित सैनिटाइजर और मास्क डिस्पेंसर भी है और साथ ही ये फर्श की सफाई भी करता है, जिससे स्टेशन पर सफाई बनी रहेगी। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।